देखो सास बहू लगी है सुबह से खाना बनाने में और आज हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? हमारे खेत में जा रहे हैं, इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सेंगदाने की चटनी। अच्छा, ये मूंगफली की चटनी, हमारे मम्मी के भाषा में सेंगदाने की चटनी। यहाँ पर रोटियां फ्राई की जा रही है। और क्या कहला है इसने? ये अच्छा, ये क्या बोलते हैं, अमरूद और नींबू, और ये उसके प्यारे भांजे के लिए चिप्स, भांजे और भांजे के लिए। तो यहाँ पर ये रोटियां फ्राई करेगी और उसके ऊपर दही और वो चटनी डाल के खस्ते जैसा। तो इसके लिए खस्ता पूरी बनाने के लिए दही लाया है ये। इन्होंने मेरे लिए क्या लाया, मैं दिखाती हूँ आपको क्या लाया है। ये मैंने कुछ पार्सल ऑर्डर किए थे तो उसमें से मिल गए ये कुर्तीज। मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ, ये आज ही आए वहाँ से तो ये अभी आए हैं, तो हमने सोचा कि चलो हमारे खेत में जाया जाए। और ये ड्यूटी से आ गए थे, इधर आए थे हमें मिलने के लिए, तो हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद जाएंगे वहाँ पे हमारे खेत में। उससे पहले मैं आपको ये वाले पार्सल दिखा देती हूँ मेरे, जो रिसीव हो गए थे मुझे। ये कुर्ती से कुछ मैंने ऑर्डर की थी, ये मिल जो मिल गई थी, तो ये मुझे यहाँ पर देने के लिए भी आ गए, मिलने के लिए भी आ गए, और कल जाएंगे ड्यूटी पे। ये है एक कुर्ती और दूसरी है ये कुर्ती। मैं इसमें से कौन सी पहनूं अभी मुझे ज़रूर बताना आप कमेंट करके। 1 मिनट, ये एक कुर्ती है और अधिक आप क्या खा रहे हो? चिप्स। हाँ, ये एक कुर्ती है। तीनों के कलर लगभग सेम लग रहे हैं इसमें, बट सेम नहीं है, ये कलर अलग अलग है। टोमेटो चिप्स मुझे दोगे क्या? मुझे दोगे? ये क्या दीदी की तरह देख रहे हो? रोज रोज जस्ट नहा के आई हूँ और यहाँ पर कर रही हूँ अपना स्किन केयर। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ये मॉइस्चराइजर, सबसे पहले ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर न्यूट्रिजिना का ये यूज कर रही हूँ। और उससे पहले मैंने यूज किया है गुड वाइब्स का ग्रीन टी टोनर यूज किया है। मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है यार, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन हो जाती है नहीं तो विंटर में, इसी वजह से मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। वैसे मेरी ऑयली स्किन है तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज करना पड़ता है मुझे। थोड़ा सा नेक पे भी अप्लाई कर लेती हूँ। बस मॉइस्चराइजर यूज करने के बाद ये अनोया बे की बेबी क्रीम अप्लाई करूंगी, उसके बाद कॉम्पैक्ट लगाऊंगी। बस यहाँ पर मॉइस्चराइजर अप्लाई हो गया है, इसके बाद लगाऊंगी सनस्क्रीन थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग खेत में जा रहे हैं, और उसके बाद अप्लाई करूंगी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट। बस मेरा स्किन केयर डन हो चुका है। सनस्क्रीन इसीलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि बाहर जा रही हूँ और खेत में जा रही हूँ, खेत में टैनिंग तो बहुत ज़्यादा होती है इसी वजह से। और एक मंदिर है यहाँ पे, बहुत अच्छा मंदिर है, लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको दिखा दूंगी, अगर आप आसपास के हो तो वहां पर जा सकते हो। चलिए मैं पहले अपना मेकअप डन कर लेती हूँ। हल्का सा मेकअप कर लिया आप देख सकते हो। और मैं ना जो आपको इन्होंने कुर्तीज लाया है, मतलब कुर्ता सेट कुछ ऑर्डर किए थे तो वो इनको रिसीव हो गए थे घर पे, तो इन्होंने सोचा है ये तो कुछ लेके गई नहीं है यहाँ पे, तो इसी वजह से वही कुर्ता सेट यहाँ पर लेके आया है। उनको लगा कि पसंद आएगी या नहीं आएगी इसको मिलने के बाद, अगर रिटर्न करना हो तो रिटर्न कर सकती है, इसी वजह से ये लेके आए थे। और मुझे इतने ज्यादा अच्छे लगे ना, क्वालिटी वाइज बहुत ज्यादा अच्छे है। मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। तीन ही कुर्ता है, मतलब दो कुर्ता सेट है उसमें और एक कुर्ता है, तो वो दिखा देती हूँ आपको। और बहुत सुंदर है यार, क्वालिटी वाइज बहुत ज्यादा अच्छे है। तो इसके नीचे ये स्ट्रेट पैंट है, ये है एक स्ट्रेट पैंट और ये कुर्ता है, मतलब फ्लेयर वाला कुर्ता है, ये आप देख सकते हो कॉटन का है पूरा, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है पहनने के बाद। और ये इसके नीचे पैंट है, स्ट्रेट पैंट, तो ये मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ, तब आपको पता चलेगा कि कैसा है। और क्वालिटी वाइज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें मैंने साइज ऑर्डर किया था यम अपना, और कॉटन का है, प्योर कॉटन का है। इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, मतलब वेबसाइट पे तो अच्छा दिख ही रहा था,
बट आने के बाद कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है मुझे, तो मैं आपको पहन के दिखा दी हूँ और तब आपको पता चलेगा कि ये कैसा लगता है पूरा। तो ये कुर्ता सेट मुझ पर इस तरह से दिखता है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगा यार मुझे। मैं आपको नीचे करके दिखा देती हूँ कैमरा। और इसकी स्टाइल ऐसी है ना कि ये जितने चाहो आप बटन ओपन कर सकते हो, मतलब ये जो बटन है ओपनेबल है, तो इसी वजह से ये बटन आप जितने चाहो जहां तक चाहो ओपन कर सकते हो। कोई कोई इस कुर्ते को सिर्फ पहन सकता है एंकल लेंथ जीन्स के ऊपर, उसके लिए यहां तक आप बटन ओपन कर सकते हो और एंकल लेंथ जीन्स के ऊपर ये स्टाइल कर सकते हो। इस तरह से इसके नीचे स्ट्रेट पैंट भी मिला है, इसके ऊपर भी आप स्टाइल कर सकते हो, यहाँ तक ये वाली बटन ओपन रख के इस तरह से इसे स्टाइल भी कर सकते हो। तो ये सारी बटन ओपनेबल है, ये पूरी ओपन होती है, तो इस तरह से आप इसे स्टाइल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सुंदर है यार कुर्ता। नेक्स्ट कुर्ता आपको दिखाती हूँ कैसा है। नेक्स्ट कुर्ता भी कुछ इसी तरह से है, थोड़ा सा इसी स्टाइल में, बट ये ओपनेबल नहीं है, इसकी बटन्स वगैरह कुछ नहीं है आगे, और इसके नीचे भी स्ट्रेट पैंट है। तो इसके नीचे स्ट्रेट पैंट नहीं है, प्लाजो है, तो आप देख सकते हो इसके नीचे प्लाजो है। और ये कुर्ता भी कुछ इस तरह से, इस पर पूरी डिजाइन है। ये भी मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ। इसकी स्लीव्स 3/4 नहीं है, मतलब यहाँ तक आती है इसकी स्लीव्स, इसकी स्लीव्स 3/4 है। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा कुर्ता यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। मेन बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा स्टाइलिश दिखता है। और ये जो कुर्ता है, ये भी मैं आपको अभी पहन के दिखा देती हूँ कि कैसे दिखेगा मुझ पर। फिर मैं डिसाइड करूंगी कि अभी मुझे कौन सा कुर्ता पहनना है। ये सब पहन के देख लेती हूँ, फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि कौन सा कुर्ता मुझे अभी पहनना है। और अभी ये कुर्ता देख लीजिए आप, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है यार। इसका जो मटेरियल है वो भी कॉटन है, प्योर कॉटन मटेरियल है इसका भी, और काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये भी कुर्ता। इसका नीचे का दिखा देती हूँ आपको लुक कैसा आ रहा है। ये इसके नीचे प्लाजो है, तो ये कुछ इस तरह से है प्लाजो, बहुत ज़्यादा सुंदर है यार। इसका घेर भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, यहाँ पर प्लीट्स है, अगर आपकी टमी वगैरह है तो वो भी हाइड हो सकती है यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये, इसके स्लीव्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। तो ओवरऑल ये भी कुर्ता मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और इसमें भी मैंने साइज ऑर्डर किया था ये हम, और थोड़ा सा लूज ऑर्डर करती ना, तो मुझे लगता है कि मैं कंफर्टेबल रहती। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्लीव्स में मुझे टाइट हो रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं इसमें फिटाने की कोशिश करूँगी। वैसे यहाँ पर भाभी के हाथ तक खा के गरम गरम बहुत ज़्यादा मोटी हो रही हूँ, वहाँ पे जाके थोड़ा सा फिट आने की इसमें कोशिश करूँगी। रिटर्न नहीं करने वाली मैं, क्योंकि मुझे क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इसकी। और नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था ये वाला कुर्ता, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा था जब मैंने वेबसाइट में देखा था, और मिला भी मुझे बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर गोटा पट्टी लगाई है, 3/4 स्लीव्स दी है, इसमें भी मैंने साइज़ मेरा ऑर्डर किया है एम, तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यार। यहाँ पर टसल दिए हैं, यहाँ पर इस तरह से शो बटन दी है, ये बटन ओपनेबल नहीं है, और नीचे स्ट्रेट कुर्ता है, और यहाँ पर भी इस तरह से ये गोटा पट्टी दी है, मतलब कट पे। तो और ओवरऑल ये भी कुर्ता मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसको पहन के मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा लगेगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है ये। इसका भी मटेरियल कॉटन मटेरियल है, तीनों भी मैंने जो कुर्ताज ऑर्डर किए थे, दो सेट है और एक ये कुर्ती है, तो ये कॉटन मटेरियल में ही ऑर्डर की थी, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। क्वालिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कलर वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, प्रिंट भी बहुत अच्छा है, इस वाले का भी प्रिंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इस वाले का भी ज्योमेट्रिकल प्रिंट है, और उस वाले का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है फ्लावर प्रिंट। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैं ये भी आपको पहन के दिखा देती हूँ, तब जाके आपको पता चलेगा कि कैसे दिखेगा ये। ये वाला कुर्ता भी देख लो, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, कलर भी बहुत ज़्यादा प्रीटी है, और फिटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है। मैं आपको नीचे करके दिखा देती हूँ, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, स्ट्रेट कुर्ता है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, काफ़ी अच्छा लगा इसका कलर भी मुझे, और इसका मटेरियल भी। चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही वाला कुर्ता पहन के जाती हूँ। और हाँ, इनमें से कोई भी कुर्ता अगर आपको परचेस करना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इस लिंक पे अगर क्लिक करोगे तो उस पर ये कुर्ता आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा भी आपको वहाँ पर प्रोडक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, तो वो प्रोडक्ट भी आप ले सकते हो अगर आपको पसंद आते हैं तो। मैं फिर निकलती हूँ, नीचे वेट कर रहे हैं मेरा सब, और भाभी भी रेडी हो रही थी, मैंने सोचा मैं भी रेडी हो जाती हूँ इधर वाले रूम में, वो उसके रूम में रेडी हो रही थी, मैं इधर वाले रूम में रेडी हो रही थी बीच वाले भाई के। और चलिए फिर नीचे जाती हूँ और निकलते हैं हम लोग, वहाँ पे जाने के बाद जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करूँगी।
मैं आपको कुर्ती दिखाने के चक्कर में रेडी लेट हुई हूँ। भाभी नीचे चली भी गई है रेडी होके। चलो मैं ही लेट हुई हूँ यार, चलो नीचे चलते हैं। यहाँ से टिफ़िन वगैरह हम लोग लेके गए थे, खाने के लिए सारा सामान लेके गए थे, और वहाँ पर जाके हम लोगों ने खाना खाया, बहुत एंजॉय किया हमने वहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाके खाना खाना और ये सब। एक्चुअली हम लोग ना खेत में जाके खाना खाने वाले थे, बट वहाँ पर पानी वानी का टेंशन रहता, फिर उधर जाना पानी के लिए और फिर आना। तो वहाँ पर जहाँ पर हम लोग गजानन महाराज के वीर पर जाने वाले हैं, मतलब कुआ है गजानन महाराज का, तो वहाँ पर जाने वाले हम लोग। और जो मेरे आजू बाजू की सिटी से मुझे देख रहे हैं, जिनको नहीं पता है गजानन महाराज की वीर कहाँ है, मतलब वीर मीन्स कुआ बोलते हैं मराठी में, जिसे वीर बोलते हैं, तो गजानन महाराज का कुआ कहाँ है, तो उनके लिए बता दूँ, अकोली नाम से एक गाँव है, तो वहाँ पर ही ये कुआ है और मंदिर है गजानन महाराज का। एक्चुअली गजानन महाराज ने वहाँ पर वो कुएँ को पानी लगाया था, इसी वजह से उसका नाम ही वहाँ पर वैसे ही रखा गया है जैसे कि गजानन महाराज के वीर बोलते हैं मराठी में। और हाँ, जाते जाते ना ये लोग हमें रास्ते में दिखे ऊँट वगैरह लेके, तो हमें ना इनके पास मतलब सेल्फी वगैरह निकालनी थी, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने थे ऊँट के पास, बट वो निकल भी गए थे, तो हम लोगों ने कोई फ़ोटो वगैरह क्लिक नहीं किए। फिर वो लोग एक खेत में भी घुस गए थे, फिर हम लोगों ने वहाँ से देखा, अद्विक को दिखाया, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे भी। और फिर रास्ते में ऐसे ही थोड़ी देर गाड़ी रोकी, वहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह ऐसे ही क्लिक किए, फिर निकल गए हम लोग यहाँ से। तो ये ना वही बात चल रही थी कि यार हम लोग जैसे उनके पास गए, मतलब जैसे कि सेलिब्रिटी दिखे थे हमें, तो ऐसे ही गए और वापस आ गए। तो यहाँ पर वही हमारी बातें चल रही थी, हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पे जाने के लिए अभी गजानन महाराज की भीड़ पे। तो बस वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको वहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ। वहाँ पर जाने के बाद ना आपके दिल को सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा शांति है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम लोग आई थिंक 2 साल के बाद आ रहे हैं। मेरा जैसे बीच वाला भाई है ना, उसकी रिसेप्शन पार्टी यहाँ पर हुई थी। यहाँ पर बहुत बड़ा सा ऐसे मैदान है वहाँ पे, बहुत बड़ी जगह है, और वहाँ पर उसकी रिसेप्शन पार्टी हुई थी। और जो बिल्डिंग आपने देखी वहाँ पर रूम्स वगैरह है, जिसे भक्ति निवास बोलते हैं, तो वहाँ पर ना हमारे साइड के जो गेस्ट थे वो रुके थे वहाँ पे, मतलब जैसे रिसेप्शन पार्टी थी उसकी, तो वो रात को थी, तो सारे गेस्ट हमारे यहाँ के वहाँ पर रुके थे। फाइनली यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है यार लोकेशन ये। अगर आप यहाँ के आसपास के हो तो ज़रूर यहाँ पर विजिट करना एक बार। गजानन महाराज की वीर बोलते हैं, जैसे कि अगर आप गजानन महाराज को जानते होंगे, तो गजानन महाराज ने यहाँ पर पानी लगाया था कुएं को। तो ये जो कुआ है मैं आपको दिखा देती हूँ अभी बैक कैमरा से, इस कुएं को पानी लगाया था, और इसका जो पानी है कभी कम नहीं होता है बोलते हैं यहाँ का। और यहाँ जो मंदिर बनाया हुआ है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया है। यहाँ पर भक्ति निवास भी है, रहने के लिए जगह भी है। मेरा जो बीच वाला भाई है ना, उसका रिसेप्शन यहाँ पर ही हुआ था। यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हिल स्टेशन पे आया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत भीड़ है यहाँ पे, मास्क पहन लिया है, क्योंकि विदाउट मास्क तो यहाँ पर एंट्री है ही नहीं है। यहाँ पर आपको ये कुआं दिखा देती हूँ सबसे पहले मैं। ये है वो गजानन महाराज का बड़ा सा कुआ, जिसे विहीर बोलते हैं मराठी में। और इस कुएं को ना गजानन महाराज ने पानी लगाया था, और इसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता है, चाहे कोई भी सीज़न हो। आप देख सकते हो अंदर, देखना आपने कि बहुत ज़्यादा बड़ा कुआ है, और काफ़ी ऊपर पानी रहता है इसके, मतलब कुएं के। आप देख सकते हो इसमें ना कछुए और क्या बोलते हैं मछलियाँ बहुत सारी है, बट इसमें ना पत्ते वगैरह कुछ भी नहीं डाल सकते हो आप, फूल भी नहीं डाल सकते हो। वहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले जो बोर्ड मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर लिखा हुआ वही था कि आप पत्ते वगैरह मत डालिए इसमें, फूल भी मत डालिए। इसी वजह से ये कुआँ बहुत ज़्यादा क्लीन है, और इसका पानी तीर्थ समझ के पिया जाता है। और यहाँ का जो एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है यार, मतलब बहुत सुंदर ये मंदिर है यहाँ पे, अंदर भी बहुत अच्छा है मंदिर। और उसके बाद वहाँ पर कुछ आप लोग मतलब अन्नदान भी कर सकते हो, जैसे वो क्या बोलते हैं खाने के लिए है साइड में, वो जो बड़ा सा हॉल है वो अन्नदान वहाँ पर होता है। और उसके बाद यहाँ पर एक मंदिर है साइड में, ये छोटे छोटे से मंदिर है। अब आपको मंदिर में लेके चलती हूँ, उससे पहले ये बोर्ड लगाया हुआ है यहाँ पे, मतलब जैसे कि मास्क लगाना कंपलसरी है अंदर जाते टाइम, या मतलब घूमते टाइम मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मंदिर में पहुँच गए हम लोग, और यहाँ पर कछुआ है सबसे आगे, और मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप यहाँ पर बैठ के शांति से प्रे कर सकते हो। और यहाँ पर काफ़ी सारे पुराने जो फ़ोटोज़ हैं, मतलब जो संत हो चुके हैं यहाँ के, उनके फ़ोटोज़ वगैरह लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आ गए थे दर्शन करने के लिए सबसे आगे।
और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको गजानन महाराज पता है या नहीं, और गजानन महाराज अगर पता है तो कौन कौन गजानन महाराज को मानता है, या शेगांव तो आपको पता ही होगा, शेगांव में गजानन महाराज का मंदिर है तो वो तो आपको पता ही होगा क्योंकि बड़ा सा मंदिर है शेगांव में, और इसकी डुप्लीकेट कॉपी की गई है यहाँ पर उसी टाइप की, जैसे कि यहाँ पर ना शेगांव जैसा ही भक्ति निवास भी बनाया है, शेगांव जैसा ही खाने के लिए वहाँ पर अन्नदान करने के लिए वो हॉल बनाया है, बट शेगांव जितना बड़ा नहीं हो सकता है, छोटा है, बट उनकी कॉपी करने की कोशिश की है पूरी तरह से, और उसी तरह से क्लीन एरिया भी रखने की कोशिश करते हैं, ये बहुत सुंदर रखते हैं ये एरिया, और काफ़ी सारा दान भी यहाँ पर देते हैं लोग, तो मतलब जो भी लोग आते हैं दान देते हैं उसकी वजह से ही ये मंदिर इतना बड़ा बनाया हुआ है उन्होंने, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत शांति मिलती है दिल को यहाँ पर आके। यहाँ पर देनगी विभाग लिखा है तो ये यहाँ पर दान दिया जाता है, मतलब जितना भी आपको पैसा देना है वहाँ पर आपका नाम लिखा जाएगा, और मतलब आपको आप जितना भी देना चाहो मंदिर के लिए दान उतना आप दे सकते हो वहाँ पर। और यहाँ पर एंट्री करते ही ये कछुआ है संगमरमर का, बहुत सुंदर लगता है, और यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए भी जगह है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर अपने भंडारे भी बनाते हैं, जैसे कि रोडगे वगैरह हमारे साइड में चलते हैं, रोडगा पार्टी वगैरह ये वो, मतलब जैसे कि भंडारे वगैरह होते हैं, अन्नदान होता है, ये सब यहाँ पर होता है, अपने घर से आप खाना बनाने के लिए लेके आ सकते हो और वहाँ पर आके खाना बना सकते हो, और वहाँ पर पार्टी वगैरह भी होती है, छोटे मोटे बर्थडे सेलिब्रेट भी होते हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पर होता है, ये एरिया उसी के लिए है। उसके बाद हम लोगों ने घर से ही खाना लाया था, टिफ़िन वगैरह लाया था, तो हम लोग खाने बैठ गए थे उधर, एक्चुअली यहाँ पर भी बैठ सकते हैं क्योंकि लोग यहाँ पर ना खाना खाने के लिए टिफ़िन वगैरह लेके आते हैं यहाँ पर आके। देखिए आप यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, मतलब एक एक फैमिली तो वहाँ पर बैठ के खाना खाती है, बट हम लोगों ने यहाँ पर नहीं खाया था, जहाँ पर नल था उधर उधर ही हम लोगों ने खाना खाया था। फिर बस दर्शन वगैरह हो गया है, अभी हम लोग खाना खाने की ही तैयारी कर रहे हैं, सब सामान तो हम लोग घर से ही लेके आए थे, बस यहाँ पर खाने की तैयारी कर रहे हैं, तो एक जगह पे बैठ जाएंगे, वहाँ पर खाना खाने के लिए लगा देंगे। और सब लोग यहाँ पर ऐसे ही करते हैं, जैसे कुछ लोग घर से खाना बना के लेके आते हैं और कुछ लोग यहाँ पर बना के खाते हैं, जिसे भंडारा बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को ना ज़्यादा टाइम नहीं था, मतलब हमें यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना नहीं था, हमें खेत में भी जाना था हमारे, तो इसी वजह से हम लोगों ने खाना घर से ही बना के लाया और यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया। और जो लोग अकोट से है या अकोट के आजू बाजू से है उन्होंने तो ये एरिया देखा ही होगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरा मायका अकोट है इसी वजह से मैं बोल रही हूँ, ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे कि कौन कौन अकोट से या अकोट के आजू बाजू से मुझे देखता है, और किस किस ने ये गजानन महाराज का मंदिर देखा है और किस किस ने ये एरिया देखा हुआ है, ये कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा सुन के मेरे गांव से या मेरे गांव के आजू बाजू से मुझे देख रहे हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे खेत में, खेत में भी बहुत मज़े किए हम लोगों ने, बहुत बड़ा खेत है हमारा, और इस ब्लॉग में तो मैं इंक्लूड नहीं कर सकती हूँ, ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता अगर इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाती हमारा खेत और सब कुछ, हमारे हमने क्या क्या इन्जॉय किया खेत में, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया खेत में भी, और भाभी ने मतलब खेत दिखा भी नहीं था तो इसी वजह से भाभी को खेत भी दिखाया, उसकी बहुत इच्छा थी, मतलब उसका बहुत मन था खेत देखने का, तो इसी वजह से उसको यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए लेके आए हम लोग, और वहाँ पर भी खेत में भी उसको लेके गए थे, तो उसने खेत भी देख लिया। और इस ब्लॉग में मैं खेत नहीं दिखा पाऊँगी, सो सॉरी उसके लिए, बट नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको इसी का जो पार्ट टू आएगा उसमें मैं आपको खेत दिखा दूँगी, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है देख के। और आप लोग बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपके घर में खेत नहीं है क्या, तो अगर आपके घर में खेत है तो हमें खेत दिखाइए, आपके मायके का खेत, आपके ससुराल का खेत, हमारे ससुराल का जो खेत है उसमें तो इतना कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पर अलग अनाज उगाया जाता है और यहाँ पर अलग अनाज उगाया जाता है, तो वहाँ पर मैंने भी अभी तक ससुराल का खेत देखा नहीं है, तो वहाँ पर मतलब पानी वगैरह का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है बोलते हैं, इसी वजह से कभी हमें लेके नहीं गए हैं, मतलब मेरी जिठानियों ने भी अभी तक हमारे घर का खेत नहीं देखा है, मतलब उनकी शादी को तो बहुत साल हो गया है फिर भी उन्होंने अभी तक खेत नहीं देखा है। और ये बस यहाँ पर हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद खेत में निकल जाएंगे। तो चलिए फिर इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग देखना मत भूलिएगा,
उसमें मैं आपको हमारा खेत दिखाऊंगी। तो चलिए फिर इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब करते टाइम बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे दबाना मत भूलिएगा, उसको ऑल पे क्लिक करना ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। और हाँ, जाते जाते लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना।